जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अनमोल ब्लॉग्स में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अमृतसर के टूर पर हूं, और इसी सिलसिले में मैं यहां पर आपको, मैंने आपको कल अभी दिखाया था गोल्डन टेंपल, आज मैं आपको दिखाऊंगा जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग मैं पहुंच चुका हूँ, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे स्मारक बना हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं पीछे गेट भी बना हुआ है। तो अभी वही गेट से हम लोग जाएंगे जलियांवाला बाग के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरा जलियांवाला बाग की हिस्ट्री के साथ आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि क्या यहाँ की हिस्ट्री है, वो सब मैं आपको पूरा दिखाता चलूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं ये चौक, जो ये मूर्ति बनी हुई है एकदम स्मारक की तरह, उस पर नाम लिखे हुए हैं बुद्धू राम, बग्गू सिंह, चुन्नी लाल, चरणजी लाल, चरण दास, इन सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और आप लोग ये गेट देख सकते हैं, ये उस साइड स्ट्रीट का गेट है। जलियांवाला बाग सुबह 7 बजे खुल जाता है दोस्तों, और शाम को 6 बजे ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये है जलियांवाला बाग का मुख्य द्वार, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चेकिंग भी अच्छी खासी होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है। देखिए यहाँ से हमें पार होके पहुँचना है। आप लोग ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना हुआ है, उन लोगों की मूर्तियाँ एक तरीके से बनी हुई हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं कितनी बेहतरीन कलाकृति यहाँ पे बनी हुई है उन लोगों की एक ज़बरदस्त झांकी यहाँ पे बनी हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि अब हम इसी द्वार से निकल के पहुँच जाएंगे जलियांवाले बाग में, और आपको पूरा हम लोग एक्सप्लोर करके दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे गैलरी नंबर 1 में, लेकिन उससे पहले आपको बाहर का कुछ दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हम लोग गैलरी नंबर 1 में पहले चलेंगे दोस्तों, और ये देखिए गेट है, इसी गेट से हम लोग चलते हैं। 13 अप्रैल बैसाखी का वो पावन दिन था दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी। देख सकते हैं कि इस फिल्म में जो जो आपको दिखाया जा रहा है, जिस स्थान पे गोलियां चलाई गई, जहां पर लोग कूदे जिस कुएं में, वो सब मैं आपको अभी रियलिटी में दिखाऊँगा पूरा। अभी आप इसमें फिल्म में देख लीजिए, समझ लीजिए कितना निर्मम यहाँ पर हत्या किया गया था, नरसंहार किया गया था। अंग्रेजी हुकूमत ने एकदम लाशें बिछा दी थी दोस्तों, और ये कितना निर्मम दृश्य था दोस्तों, देख के ही दिल पसीज जाए ऐसा दृश्य था। ये देख सकते हैं लाशों के ढेर लग गए थे, हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीढ़ियों से नीचे चल रहे हैं और वो सब स्थान आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको मैं जलियांवाला बाग पूरी तरीके से दिखाऊंगा, तो मैं जलियांवाला बाग के अंदर आ चुका हूँ, और ये एक स्मारक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पूरा हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा। हिस्ट्री इसका ऐसा है कि 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी का दिन था, रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर लोग जो हैं, सभा थी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद यहाँ पे अंग्रेज के जो ब्रिगेडियर हैं जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी। इसी गेट से, जो मैंने आपको बताया कि एंट्री गेट से वो लोग आए थे, और उन्होंने पूरी गोलियों की बौछार कर दी। बताया जाता है कि 10 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियाँ फायर हुई थी, और उसमें करीब करीब हजारों आदमी मर गए थे। अंग्रेजों के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पे 379 आदमी मरे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत आदमी मरे थे, वो जो आंकड़ा था उसे छुपा दिया गया, हजारों आदमी मरे थे। जैसा कि आपको मैं अभी यहाँ पे शहीदी कुआं भी दिखाऊंगा। शहीदी कुएं में से 120 लाशें निकाली गई थी, पूरी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग अब शहीदी कुएं की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहीदी कुएं में से 120 लाशें निकाली गई थी, जबकि उसी में अपना जान बचाने के लिए सभी लोगों ने छलांग लगा दी, और उसके बाद वो भी मतलब मर गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें भी यहाँ पर बहुत इकट्ठा थे, मतलब देश विदेश, देश के पूरे क्षेत्रों से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, और उन लोगों पे पूरी तरीके से गोलियों की बौछार कर दी। वो तो मशीन गन भी लाने वाला था, लेकिन यहाँ पर रास्ता जो है वो सकरा था, इसलिए मशीन गन नहीं आ सकी यहाँ पर। इस नरसंहार के बाद क्या हुआ वो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है, सब कुछ पूरे डिटेलिंग में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर सभी शोकाकुलों के बयान लिखे हुए हैं, उनके परिजनों के, जो यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए दोस्तों। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर शहीदी कुएं के पास। ये वही कुआं है जहाँ मैंने बताया था कि जब गोली चलने लगी तो लोग इसी में कूद गए, कुछ लोग दीवार फाद कर चले गए। पहले दीवार छोटी थी, लेकिन फिर भी वो लोग, बहुत लोग यहाँ पे मतलब शहीद हो गए थे। आप लोग देख सकते हैं कि शहीदी कुएं के पास हम लोग पहुँच चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये शहीदी कुआं है। आपको मैं दूसरे साइड से दिखाता हूँ कि अंदर आप लोग देख सकते हैं
देख सकते हैं यही है वो शहीदी कुआं। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि शीशे से पैक है पूरी तरीके से और इस पे ओस गिरी हुई है। इसको यार पोछते हैं थोड़ा, लेकिन फिर भी नहीं दिखेगा, बहुत कम दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। चलिए देख लीजिए जैसा भी दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये शहीदी कुआं है, आप लोग देख सकते हैं शहीदी कुआं। इसी में सभी लोग यहाँ पे कूद गए थे जब गोलियां चलने लगी थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इसी में कूद गए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत लोग इसमें से मर गए। आपको कैसे दिखाया, पूरा पैक हो चुका है, आप इतना ही देख सकते हैं जितना दिख रहा है क्योंकि शीशे से पैक हो चुका है। देख सकते हैं लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, देख सकते हैं शहीदी कुएं का। मैं आपको बाहरी इंटीरियर आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर गोलियों के निशान बने हुए हैं वहाँ पर लेके चलूँगा। 28 गोलियों के निशान यहाँ पे बने हुए हैं, आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे गोलियों के निशान बने हुए हैं। यहाँ पर से भी मिट चुका है, आप लोग देख सकते हैं बुलेट मार्क्स लिखा हुआ, मतलब गोलियों के निशान यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इस दीवार पर का अपना ऐतिहासिक महत्व, इस दिन इस गोलियों इस दीवार पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिसे जनरल डायल ने चलवाया था, इन्हें चेतावनी के लोगों पर चलवा दिया था गोली। बहुत से लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे, हजारों लोग। आप लोग गोलियों के निशान देख सकते हैं किस प्रकार से गोलियों के निशान बने हुए हैं, देख सकते हैं 28 गोलियों के निशान बने हुए हैं और ये गोलियों के निशान अभी तक बने हुए हैं। 104 साल हो चुके हैं उस घटना को, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे ताज़ा निशान ऐसे से लग रहा है कि बने हुए हैं, देख सकते हैं। वंदे मातरम, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियाँ, राजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और हम लोग चल रहे हैं गैलरी नंबर 3 में, अभी आपको दिखाते हैं कि कैसा यहाँ पे है। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे गैलरी नंबर 3 में, जिसमें पंजाब में और भी क्रूरताएं हुई हैं उसके बारे में बताया गया है, और इस क्रूरता के बाद क्या हुआ, उसका क्या असर पड़ा, उसके बारे में बताया गया है। देख सकते हैं दोस्तों गुजरांवाला के बारे में बताया गया है, जहां पर 14 अप्रैल को जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे इस गोलीबारी के विरोध में, तो उन पर वायुसेना से बमबारी करा दिया अंग्रेजी हुकूमत ने। इसके बाद दोस्तों लाहौर में बादशाही मस्जिद के बाहर सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों पर भी गोलीबारी की गई। दोस्तों रॉलेट एक्ट का विरोध लाहौर से ही स्टार्ट कर दिया गया था। ये देख सकते हैं क्रूरता की एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, किस प्रकार से भारतीयों के साथ क्रूरता करते थे। आयरलैंड ने दोस्तों इस जनसंहार का बहुत ही विरोध किया था, बहुत ही निंदा की थी, आप लोग देख सकते हैं उसका चित्रण कितना बेहतरीन ढंग से यहाँ पर जीवंत कर दिया गया है। यहाँ पर मूर्तियाँ आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हैं, एक व्यू में दिखाता हूँ कि जलियांवाला बाग कितना बड़ा है, आपको दिखा देते हैं कि उस साइड वहाँ पे गेट है, गेट उस साइड है, और इसके बाद वहाँ से हम लोग यहाँ इधर से चलते हुए आए शहीदी कुएं की तरफ, और अब हम लोग इधर से ऐसे घूमते हुए चलेंगे। इधर देख सकते हैं स्मारक बना हुआ है शहीदों की याद में, यहाँ पे स्मारक बना हुआ है, और अभी हम लोग चलेंगे और भी आपको बुलेट मार्क्स दिखाएंगे। और तो चलते हैं, अभी आपको पहले स्मारक दिखाते हैं कैसा बना हुआ है, आपको वो देखने को मिलेगा। देख सकते हैं हम लोग अभी मतलब चल रहे हैं स्मारक की तरफ, स्मारक आप लोग देख सकते हैं कि स्मारक बना हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ये उन्हीं शहीदों के याद में ये स्मारक बनवाया गया है, और यहाँ पे अमर जवान ज्योति भी जलती रहती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पहले आपको दिखाते हैं स्मारक, यहाँ पे स्मारक बना हुआ है, तो वो स्मारक मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं उपस्थित है, आप लोग देख सकते हैं कि ये स्मारक जो है उन्हीं शहीदों के याद में बनवाया गया जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का दिन था और गोलियों के बीच उन्होंने अपनी जान गंवा दी। गोलियों की गोली चली यहाँ पे जनरल डायल के कहने पे, बिना चेतावनी के उसने गोली चला दी और बहुत से लोग यहाँ पे मर गए, हजारों लोग यहाँ पे मारे गए। तो दोस्तों एक बार फिर से वो लोग शहीदों को हम लोग एक बार नमन करते हैं, फिर आगे चलते हैं, आपको आगे का भी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। दोस्तों मेरा मतलब निवेदन है कि जहाँ पे जाइए वहाँ पे स्वच्छता बना के रखिए, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्वच्छता बनी हुई है, और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आप लोग देख सकते हैं स्वच्छ रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। ये वही स्मारक है जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मारक को मैं आपको एकदम करीब से दिखाता हूँ, चलिए और आगे देख सकते हैं ये स्मारक, एकदम मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ ये स्मारक जो जलियांवाला बाग का एक तरीके से एकदम निशान है, आप समझ सकते हैं स्मारक है ये, उन शहीदों के याद में बनवाया गया है जिन्होंने यहाँ पे अपनी जान गंवाई थी, जो यहाँ पे शहीद हो गए थे।
देख सकते हैं यहाँ पे। कृपया अपने जूते चप्पल उतार कर प्रवेश करें। तो अंदर जाने के लिए भी रास्ता बना हुआ है लेकिन वो पैक कर दिया गया है अभी। यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने का बहुत ही बेहतरीन एरिया है। सभी लोग आते हैं दूर दूर से, यहाँ पर सैलानी बहुत दूर दूर से आते हैं। पर्यटन क्षेत्र बहुत ही बढ़िया है पंजाब में, अमृतसर में ये बहुत ही फेमस है, आप लोग जान ही रहे हैं। पंजाब में क्या मैं कहूँगा, पूरे देश में फेमस है जलियांवाला बाग। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए मतलब जान गंवा दी, तो उनको नमन है एक बार। और हम लोग आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पे। अभी सब लोग आराम कर रहे हैं, थोड़ा काफ़ी बड़ा है जलियांवाला बाग, तो चलते चलते सब लोग थक जाते हैं, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। बैठने की भी जगह बनी हुई है, तो आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं उधर ही मतलब उस साइड, उधर गेट है, उस साइड गेट है उधर, और आगे की तरफ मैं बता रहा हूँ उधर उस साइड गेट है। इधर पीछे मैंने आपको दिखाया था इस साइड, यहाँ पे शहीदी कुआं है ये स्मारक, और पीछे मतलब गोलियों के निशान बने हुए थे वो मैंने आपको दिखाए थे। अभी आपको मैं इस साइड भी लेके चलता हूँ, इधर भी गोलियों के निशान बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी गोलियों के निशान आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से मतलब ये जनसंहार किस तरीके से हुआ था। इतनी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी इतने लोगों की, और जनरल डायर जिसको बाद में उसके कुकर्मों की सज़ा दी, किसने दी वो आप लोग जान ही रहे हैं, सरदार उधम सिंह, जो कि एक बच्चे थे जब उन्होंने इस अपनी आँखों से देखा था इस निर्मम मतलब जनसंहार को। आपने बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया था, मतलब एकदम निर्दयी तरीके से, तो उन्होंने देखा था। और इसे उन्होंने जाकर इंग्लैंड में ही जनरल डायल की हत्या की थी, जब वो बड़े हो गए वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई पूरी की, इसके बाद उन्होंने वहीं पे उसकी हत्या की। तो आपको अभी दिखाता हूँ आगे चल के, और भी गोलियों के निशान मैं दिखाऊँगा क्या क्या यहाँ पर और है वो भी मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसे मिल रही हैं जो यहाँ पर देख के थोड़ा मतलब आँखें आपकी थोड़ी नम जरूर होंगी, आप सोचेंगे कि कितने लोगों को क्यों मार दिया गया। देख सकते हैं दोस्तों हम आपको फिर से अब बुलेट मार्क दिखाएंगे यहाँ पे, अभी दूर तक बुलेट मार्क है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिट चुका है काफ़ी दिन से, मतलब मुझे लग रहा है इसका रेनोवेट नहीं किया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलेट मार्क बने हुए हैं अभी दीवारों पर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलेट मार्क बने हुए हैं, और बुलेट मार्क्स आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से बुलेट मार्क्स बने हुए हैं। आप लोग को देखने को मिलेगा पूरा एक साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दीवार जो है यहाँ तक ही बनी थी, जो यहाँ पे दिख रहा है वो इधर इतना ही ऊंची दीवार थी। और ये मेरे पीछे जो दीवार बनी हुई है ये देखिए कितनी गोलियाँ यहाँ पे, अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उतना दूर से गोली चली थी पीछे से मेरे, मतलब उधर पीछे से इतना मतलब वहाँ से गोलियाँ चली थी उधर से, और गोली यहाँ पर आके लगी थी। आपने देख सकता है, आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर गोली जो थी यहाँ दूर दूर तक, इतनी दूर दूर तक गोली चली थी, समझ सकते हैं कि 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां लगभग चली थी, और हजारों लोग अपनी मतलब जान गंवा बैठे थे, बच्चे बूढ़े जवान औरतें, किसी को भी नहीं छोड़ा था जनरल डायल ने। इतनी निर्दयता से यहां पे हत्या कर दी गई थी। ये देखिए यहां पे देख सकते हैं गोलियों के निशान बने हुए हैं, अभी तक बने हुए कुछ निशान बड़े हो चुके हैं, मतलब धीरे धीरे कभी दिन हो गया, 104 साल हो चुके हैं उस घटना को, लेकिन अभी भी सभी के दिलों में वो याद बनी हुई है। उसी प्रकार से हर साल यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं सभी लोग। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था बैसाखी के दिन, अभी तक तो मैंने हिस्ट्री में एकदम पूरी तरीके से ये पढ़ा था, तो मेरे को याद है। मैंने भी जब पढ़ा था पहली बार तो बहुत ही ख़राब लगा था, बहुत ही दुख की बात थी मतलब, लेकिन उधम सिंह ने इस हत्या का बदला ले लिया था, जाके लंदन में एक सभा में ही जनरल डायल को सभी लोगों के बीच में गोली मारी थी, बहुत से लोगों के बीच में गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। उन्होंने बोला था कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है जनरल डायल को मार के उसकी हत्या करना। उन्होंने अपनी जो सपना था उन्होंने अपना पूरा किया, वो बच्चे थे। तो देख सकते हैं कि मेरे पीछे अभी देख सकते हैं कितनी भीड़ है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि और भी जगह जो गोलियों के निशान है वो आपको मैं दिखाता हूँ। नीचे की तरफ भी थे गोलियों के निशान, देख सकते हैं गोलियों के निशान यहाँ पर भी मौजूद हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि नीचे की तरफ भी यहाँ पर मौजूद हैं गोलियों के निशान, मतलब ये जो लेवल था वो पार्क का वो और नीचे था थोड़ा पहले, अभी देख सकते हैं अभी गोलियों के निशान अभी काफ़ी नीचे हैं, लगभग 6-7 फीट तक की गोलियों के निशान बने हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं लगभग 10-10 फीट के भी गोलियों के निशान बने हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक 104 साल बाद भी गोलियों के निशान वैसे ही ताज़ा हैं, और ये उस घटना की याद को भी ताज़ा कर देते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर दिल में थोड़ा मतलब ख़राब लगता है कि यहाँ पर कैसे किस प्रकार से लोग यहाँ पर मारे गए, लेकिन यहाँ पे मतलब एक्सप्लोर करने के लिए जगह बहुत ही अच्छी है। आप लोग देख सकते हैं कि घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना लोग घूम रहे हैं।
है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े स्तंभों पे, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि क्योट्स लिखे हुए हैं, मतलब लिखे हुए हैं किसी ने, जो बोले थे, जो नारे लगाए थे किसी ने, वो सब मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सालवेशन ग्राउंड भी बोलते हैं, आप लोग देख सकते हैं सालवेशन ग्राउंड के नाम से जाना जाता है इसको। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा क्योट्स, वो देख सकते हैं लिखा है, जीवन एक संघर्ष है, चाहे वो मनुष्य का हो या राष्ट्र का। मीनाक्षी राम ने मुमताज किचलू को लिखे पत्र का अंश में यहाँ पे था ये, आप लोग देख सकते हैं। और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलशिता हमारा, मोहम्मद इकबाल ने ये बोला था। तो वो देख सकते हैं कि मैं दया के लिए क्षमा याचना क्यों करूँ, यदि मुझे अनेक जीवन भी मिले होते तो मैं सपने सारे जीवन राष्ट्र के लिए इसी प्रकार कुर्बान कर देता। उन्होंने मतलब शहीदी के टाइम पे ऐसा बोला था। हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश राज के ताबूत की कील साबित होगा, और हुआ भी, वो ताबूत में कील की तरह साबित भी हुआ। इसके बाद ही तो ब्रिटिश राज का पतन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जलियांवाले बाग में इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं अभी आपको अभी आगे चल के अमर जवान ज्योति भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं अमर जवान ज्योति के पास। तो आप लोग देख सकते हैं ये अमर जवान ज्योति यहाँ पर देख सकते हैं हमेशा जलती रहती है। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो एक बार उन सभी शहीदों को एक बार से नमन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अमर ज्योति जो है वो हमेशा जलती रहती है, ये कभी बुझेगी नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे शहीदों के सम्मान में यहाँ पे अमर ज्योति जो है वो हमेशा जलती रहती है। तो हम लोग भी शहीदों को एक बार नमन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे, वो देखिए अमर जवान ज्योति जल रही है, और यह ज्योति हमेशा जलती रहती है। ये शहीदों के सम्मान में इस ज्योति को जलाया गया था, उन्हें एक तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, और ये ज्योति हमेशा जलती रहेगी। तो एक बार हम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, नमन है उन शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण गंवाए। तो चलते हैं दोस्तों, अभी और भी आपको कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं गैलरी नंबर 4 में, यहाँ पे शहीद उधम सिंह की फ़ोटो लगी है। इन्होंने ही बदला लिया था जनरल डायल की हत्या करके, और उनकी अस्थियाँ अभी तक रखी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला था, वो देखिए, मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, हम ब्रिटिश राज के अत्याचार सह रहे हैं, मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे अपनी मौत पर गर्व है। ये कथन सरदार उधम सिंह उर्फ मोहम्मद सिंह आज़ाद का है, जिनको माइकल ओ डायर की हत्या करने के मामले में लंदन की अदालत द्वारा सज़ा सुनाई गई। तो देख सकते हैं उनकी अस्थियां अभी तक यहाँ पर रखी हुई हैं, तो एक बार उनको नमन करते हैं, उन्हीं की वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली है। तो ये आप लोग देख सकते हैं सरदार उधम सिंह जी, देख सकते हैं कि 19 जुलाई 1974 को भारत लाई गई शहीद उधम सिंह की अस्थियां, जो शहीद उधम सिंह थे उनकी अस्थियों को 19 जुलाई 1974 को भारत में लाया गया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पूरा तरीके से जलियांवाला बाग जो है वो घुमा दिया है, एकदम जलियांवाला बाग में मैंने आपको अमर जवान ज्योति दिखाई, और जो क्योट्स लिखे थे वो दिखाए, गोलियों के निशान दिखाए, और पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे एक तरीके से श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से सभी शहीदों को। और मैंने आपको पूरी तरीके से वो शहीदी कुआं भी दिखाया जहाँ पर लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। एक गुजारिश और भी है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इन शहीदों के लिए एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, आपको देशभक्त हैं आप, एक तरीके से आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए ऐसी जगहों के लिए जो मतलब आपकी राष्ट्रीयता के चिन्ह हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टाटा बाय। हम लोग एग्जिट से यहाँ पे देख सकते हैं घर की तरफ जा रहे हैं, बाहर जाने का रास्ता इधर है।